हेलो फ्रेंड, नेचुरोपैथी क्लिनिक में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे कि थायराइड होता क्या है और इसकी समस्या क्यों होती है, किस चीज़ की कमी से होती है और हम इसका कैसे घरेलू इलाज कर सकते हैं और घरेलू इलाज से हम इसको कैसे ठीक कर सकते हैं। इस वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें ताकि मेरी नेक्स्ट वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँच सके। तो हम बात करते हैं कि थायराइड, तो आजकल दुनिया में बहुत से ऐसे लोग हैं जो थायराइड की समस्या से परेशान हैं। थायराइड हमारे गले में एक तितली के आकार की ग्रंथि है या गर्दन के अंदर कॉल बोन के ठीक ऊपर होती है। थायराइड एक प्रकार का एंडोक्राइन ग्रंथि है जो हार्मोन को बनाती है। आगे हम बात करते हैं कि थायराइड से संबंधित बीमारी क्यों होती है। तो ये बीमारी अस्वस्थ खान पान और तनावपूर्ण जीवन के कारण होता है। आयुर्वेद के अनुसार बात, पित्त एवं कफ के कारण थायराइड संबंधित रोग होता है। जब शरीर में बात एवं कफ दोष हो जाता है तो व्यक्ति को थायराइड होता है। आप थायराइड का इलाज आयुर्वेदिक तरीकों को आजमाकर ट्रीटमेंट कर सकते हैं। तो हम बात करते हैं कि आप कौन कौन से घरेलू नुस्खे अपनाकर थायराइड की प्रॉब्लम को ठीक कर सकते हैं। तो आप डेली खाली पेट लौकी का जूस पिए और अपने खाने में काली मिर्च का सेवन करें। और दूसरा है कि रोज़ाना हल्दी में दूध पिए और एक चम्मच त्रिफला चूर्ण का सेवन करें, तो इससे भी थायराइड में आपको राहत मिलेगा। और हम बात करते हैं कि दो चम्मच तुलसी के रस को आधा चम्मच एलोवेरा का जूस मिलाकर उसका भी सेवन करने से आपको थायराइड में काफ़ी फ़ायदा मिलेगा। अगर आप भी किसी समस्या से परेशान हैं तो कमेंट में ज़रूर हमारे साथ शेयर करें। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।